खबर सीधी जिले के बहरी तहसील से है, जहां पर बहरी बाजार में संचालित शराब दुकान जो कि बीच बाजार में संचालित हो रही है के विरोध में शिवसेना जिला अध्यक्ष सीधी विवेक पांडे एवं स्थानीय व्यापारीगण द्वारा धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार महोदय सिहावल को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि बहरी में संचालित शराब दुकान तहसीलदार एवं SDM कार्यालय के 20 मीटर दूरी पर ही संचालित की जा रही है, जहां पर लगा हुआ शैक्षणिक संस्थान एवं दुकान के ठीक सामने धार्मिक स्थल है। नई शराब नीति के अनुसार शराब दुकानों के आसपास ना तो कोई शैक्षणिक संस्थान ना ही कोई धार्मिक स्थल होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान होने के कारण छात्र छात्राओं का आना जाना लगा रहता है, जहाँ पर आए दिन शराबियों द्वारा जमावड़ा लगाकर उत्पात किया जाता है, जिसको देखते हुए बहरी बाजार के व्यापारीगण ने इसका विरोध करना शुरू किया है, जिसमें शिवसेना का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों द्वारा पूर्व में भी तहसीलदार बहरी को बाजार से शराब दुकान हटाए जाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन दुकान को नहीं हटाया गया। उसके बाद पुनः विरोध का दौर शुरू हुआ। व्यापारियों द्वारा कहा जा रहा है कि अगर शराब दुकान बाजार से नहीं हटाई जाती तो हमारे द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बहरी से ललित द्विवेदी की रिपोर्ट। आज बहरी बाजार शराब की दुकान को हटाने को लेकर आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया और धरना प्रदर्शन भी किया गया। अगर ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या होगा? ये शिवसेना का भी सेकंड स्टेप था, यानी हमारे युवा साथी जो बहरी मंडल के मौजूद हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने शांति वार्ता से ज्ञापन दिया, सेकंड स्टेप में मैंने आंदोलन एक प्रदर्शन छोटा डेमो दिखाया। शायद पूरी पिक्चर बाकी है अभी आपको देखने के लिए। मैं वो अगला दिखाऊंगा कि शायद हो सकता है शराब भट्टी में कल के लिए तालाबंदी कर दूंगा, और तालाबंदी कोई एक जगह नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर मैं वो चाबी लेके कलेक्टर साहब के पास ही जाऊँगा। फिर आपको या तो मुझे जेल भेजना पड़े या जो भी कार्रवाई करनी पड़े, तो हम तो घंटा नहीं डरते, है ना। लेकिन जिस विषय को हम लेके जा रहे हैं वो जनता की लड़ाई है, जनहित की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है। हम अपने अधिकारों को छीन कर लेना चाहती हैं, और गलत होगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो शासन की गाइडलाइन और पॉलिसी है उसी आधार पर नियम किया जाए, क्योंकि एक आम नागरिक जब गलत करते हैं तो आप उसके ऊपर धाराएं और मुकदमे लगाते हैं, उसी प्रकार से आप भी उसकी गाइडलाइन पालन करवाएं, चाहे सुनिश्चित व्यापारी शराब व्यापारी हो, चाहे अदरवाइज कोई भी। तालियां।